जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे टाइम कैप्सूल के बारे में। टाइम कैप्सूल विल बी बरीड 200 फीट बिलो श्री राम टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे 200 फीट की बात की गई, कुछ न्यूज एजेंसीज ने 2000 फीट की बात की है। तो 2000 फीट है या 200 फीट है, इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं टाइम कैप्सूल की। लंबी लड़ाई और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के बाद 5 अगस्त वो शुभ घड़ी है जब रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। इस दौरान मंदिर की नींव के, यहाँ पे 2000 लिखा हुआ है, 200 फीट मैंने अभी पहले भी बताया कि 2000 और 200 में कन्फ्यूजन है, तो मैं 200 फीट ही बात करूँगा, 200 फीट नीचे टाइम कैप्सूल भी रखा जाएगा ताकि भविष्य में यदि कोई मंदिर के इतिहास का अध्ययन करना चाहे तो उसे केवल राम जन्मभूमि से संबंधित तथ्य मिले। इसकी जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने दी, जो कि एक दलित सदस्य हैं इस ट्रस्ट में, उन्होंने इसकी सूचना दी। ऐसा नहीं है कि किसी जगह पर टाइम कैप्सूल पहली बार रखा जा रहा है, इससे पहले भी देश में अलग अलग जगहों पर टाइम कैप्सूल रखे जा चुके हैं। लाल किला, कानपुर के IIT कॉलेज और कानपुर के कृषि विश्वविद्यालय में भी इसे रखा जा चुका है। अब ऐतिहासिक राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में टाइम कैप्सूल रखा जा रहा है। टाइम कैप्सूल का इस्तेमाल दुनिया के अन्य देशों में भी किया गया है और किया भी जा रहा है। यहाँ तक कि इसराइल ने अभी जो अपना मून मिशन भेजा था उसमें भी टाइम कैप्सूल को भेजा था, लेकिन वो लैंड नहीं कर पाया था, वो एक अलग मैटर था। ठीक है, तो हम अपने इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा करते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि लोग घरों को जब बनवाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ज़मीन में गाड़ देते हैं नीचे, कि इन फ्यूचर ये पता चले कि घर किसने बनवाया था, हमारे पूर्वज कौन थे, तो इस बारे में जानकारी लेने के लिए लोग घरों में भी ऐसा करते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए जितनी लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़नी पड़ी, उससे यह बात सामने आई है कि अब जो मंदिर बनवाएंगे उसमें एक टाइम कैप्सूल बनाकर 200 फीट नीचे डाला जाएगा, जिससे किसी तरह का विवाद भविष्य में हो तो इससे उसे सुलझाया जा सके। अब तक देश में लगभग आधा दर्जन जगहों पर इस तरह के टाइम कैप्सूल पहले भी रखे जा चुके हैं। इसमें ऐतिहासिक लाल किला भी शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसे 32 फीट नीचे रखा था, लाल किले। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है, जैसा कि यहाँ पर देखा जा रहा है, एक सिम्बोलिक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, जिसे विशिष्ट सामग्री से बनाया जाता है। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम का सामना करने में सक्षम होता है। उसे जमीन के अंदर काफ़ी गहराई में दफनाया जाता है। काफ़ी गहराई में होने के बावजूद हजारों साल तक ना तो इसको कोई नुकसान पहुंचता है और ना ही ये सड़ता गलता है। ठीक है, 30 नवंबर 2017 में स्पेन के बारगोस में करीब 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल मिला था, जिसमें ईसा मसीह की मूर्ति के रूप में था। मूर्ति के अंदर एक दस्तावेज था जिसमें 1717 के आसपास की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सूचना थी। फिलहाल इसे ही सबसे पुराना टाइम कैप्सूल माना जा रहा है। इसके बाद फिलहाल ऐसा कोई टाइम कैप्सूल अभी नहीं मिला है। ठीक है, टाइम कैप्सूल को दफनाने का मकसद किसी समाज, काल या देश के इतिहास को सुरक्षित रखना होता है। यह एक तरह से भविष्य के लोगों के साथ संवाद है। इससे भविष्य की पीढ़ी को किसी खास युग, समाज और देश के बारे में जानने में मदद मिलती है। ऐसा कहा था कि मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो जो साल 2011 में उन पर भी एक टाइम कैप्सूल के दफनाने के आरोप विपक्ष ने लगाए थे। विपक्ष का कहना था कि गांधीनगर में जो महात्मा गांधी मंदिर का निर्माण किया गया उसके नीचे टाइम कैप्सूल दफनाया गया, जिसमें मोदी ने अपनी उपलब्धियों का बखान किया। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिसे विशेष प्रकार के तांबे यानी कॉपर से बनाया जा रहा है और इसकी लंबाई करीब 3 फुट होगी। इस कापर की विशेषता यह है कि यह सालों साल खराब नहीं होता और सैकड़ों हजारों साल बाद भी इसे जब जमीन से निकाला जाएगा तो इसमें मौजूद सभी दस्तावेज पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम का सामना करने में सक्षम होता है। उसे जमीन के अंदर काफ़ी गहराई में दफनाया जाता है। काफी गहराई में होने के बावजूद भी हजारों साल तक ना तो इसमें उसको कोई नुकसान पहुँचता है और ना ही वह सड़ता गलता है। IIT कानपुर ने भी अपनी स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों के दौरान पिछले 50 साल के इतिहास को सजोकर रखने के लिए एक टाइम कैप्सूल का निर्माण करवाया था। इस टाइम कैप्सूल को राष्ट्रपति, जो हमारी पहली महिला राष्ट्रपति रही श्रीमती प्रतिभा पाटिल, उन्होंने फरवरी 2010 में जमीन के नीचे रखा था। इस टाइम कैप्सूल में IIT में अब तक के सभी रिसर्च, अनुसंधान, शिक्षकों एवं फैकल्टी के बारे में सारी जानकारी सुरक्षित रखी गई थी।
ताकि अगर कभी यह दुनिया तबाह भी हो जाए तो आईआईटी कानपुर का इतिहास सुरक्षित रह सके। इसके अलावा कानपुर की चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में भी टाइम कैप्सूल रखा गया है। इसमें भी कृषि विश्वविद्यालय के इतिहास से संबंधित तमाम तरह की जानकारियों को सहज कर उसे जमीन के नीचे रखा गया। टाइम कैप्सूल को जमीन के इतने नीचे दफनाने का मकसद सीधे तौर पर उस स्थान से जुड़े इतिहास को सुरक्षित रखना है, या एक तरह से आने वाली पीढ़ी को संबंधित जानकारी, जगह की जानकारी और उसके महत्व को बताने की कोशिश होती है। टाइम कैप्सूल से भविष्य में किसी भी युग, समाज और देश के बारे में जानने में मदद मिलती है। तो सीधी सी बात है कि टाइम कैप्सूल का सिर्फ एक मकसद है कि जो आज का टाइम है उसको भविष्य में कैसे दिखाया जाए, आज के टाइम के बारे में भविष्य के लोगों को जानकारी कैसे मिले। अगर दुनिया में कोई उथल पुथल आ जाती है, कोई आपदा आ जाती है और बाहरी स्ट्रक्चर तहस नहस हो जाते हैं, तो उन आंतरिक स्ट्रक्चर, मतलब जो बाहरी स्ट्रक्चर्स हैं, उनका एक प्रतिलिपि अंदर रखी जाती है उस टाइम कैप्सूल में, ताकि ये पता चल सके कि आज के 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले कैसी रही होगी ये दुनिया, उसकी कल्पना कैसे की जा सकती है। तो इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकती है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है, तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब खुदाई करती है तो उसके बाद जो चीज़ें निकलती हैं उनसे हमारे इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। तो सेम चीज़ें हैं कि कोई भी चीज़ जो दफनाई गई टाइम कैप्सूल के अंदर, तो उन सारी चीज़ों की जानकारी हमें कैसे मिलेगी, आज के भारत के बारे में जानकारी हमें इन्हीं टाइम कैप्सूल से मिलेगी। आई होप आप लोगों के इस वीडियो में टाइम कैप्सूल के बारे में जानने में मदद मिली होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, या जो लोग इस चैनल पर नए हैं, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।